अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इन बारस के 2024 नए मॉडल लॉन्च किए हैं, जिसमें वेरान 2 भी है। 1200 वाट और 12 वोल्ट सिंगल बैटरी में ही आता है, मतलब सिंगल बैटरी में अवेलेबल है। पेयर साइन वेव इन्वर्टर है। इसके अलावा बात की जाए तो इसके साथ 2000 वाट तक के सोलर पैनल आप लगा सकते हैं। बात करते हैं कौन कौन से सोलर ये सपोर्ट करता है। मार्केट में जितने भी बड़े पैनल मौजूद हैं सबको सपोर्ट करता है। 4 सोलर पैनल को आप सीरीज में लगा सकते हैं इसके साथ। इसके अगर फीचर की बात की जाए तो ये बगैर बैटरी के काम करता है। आपने बगैर बैटरी के उस वक्त इस्तेमाल करना है जब आप इसके साथ 2000 वाट तक के पैनल लगाएं। अगर 2000 वाट के पैनल आप नहीं लगाएंगे तो ये सिस्टम ट्रिप कर जाएगा या खराब भी हो सकता है। अगर बात की जाए इसके वाईफाई की तो इसके अंदर वाईफाई का कार्ड इंस्टॉल होता है। मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करके आप इसकी स्टेटस देख सकते हैं। ट्री इक्वलाइजेशन फंक्शन मौजूद है इसके अंदर। 5 साल की वारंटी में आता है, जिसमें 2 साल प्रोडक्ट की वारंटी और 3 साल सर्विस वारंटी होती है। अगर आउटपुट की बात की जाए तो इसके आउटपुट वोल्टेज 220 एसी वोल्ट हैं, क्योंकि पेयर साइन वेव इन्वर्टर है। आप इसको 90 से 280 सेलेक्ट कर सकते हैं, वोल्ट दे सकते हैं। स्विच पावर की बात की जाए तो ये 2.4 किलोवाट दे सकते हैं कुछ सेकंड के लिए। पीक एफिशिएंसी की बात की जाए तो 93% है। बैटरी वोल्टेज की बात की जाए तो 12 वोल्ट सिंगल बैटरी सपोर्ट करता है। फ्लोटिंग चार्जेस की बात की जाए तो 13.5 डीसी वोल्टेज है। ओवर चार्ज वोल्टेज की बात की जाए 16.0 वोल्टेज है। सोलर चार्जर और एसी चार्जर MPPT चार्ज कंट्रोलर इसके अंदर मौजूद है, जो कि डीसी 30 वोल्ट से 300 वोल्ट तक सपोर्ट करता है। अगर वाट की बात की जाए तो 2000 वाट तक के सोलर पैनल इसको लगा सकते हैं, मतलब 4 पैनल लगा सकते हैं सीरीज में। 550 के लगाएं 575 या 580 वाट के आप पीवी इसको जो है वो दे सकते हैं। पीवी ओपन सर्किट वोल्टेज इसके मैक्सिमम 350 वोल्टेज हैं। मैक्सिमम करंट आप इसको 20 एम्पीयर तक दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। ये एक अच्छा फीचर है, मतलब बाद में आने वाले बड़े सोलर पैनल भी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। मैक्सिमम सोलर चार्ज कंट्रोलर इसके अंदर लगा हुआ है, जो 100 एम्पीयर का है। ऐसी में आप इसको 80 एम्पीयर तक का करंट दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। अब बात की जाए आप इस पर क्या क्या लोड दिन को चला सकते हैं, तो इसके ऊपर आप एक मीडियम साइज का फ्रिज चला सकते हैं, इसके ऊपर आप वॉशिंग मशीन चला सकते हैं, पंखे, लाइट और जूसर मशीन वगैरह आप चला सकते हैं, ड्रिल मशीन और ब्लोअर वगैरह भी आप इसके ऊपर रन कर सकते हैं। एक नॉर्मल वाट जो कंज्यूम करती है चीज़ें वो आप इसके ऊपर आसानी से चला सकते हैं, मतलब आप 1200 वाट से ऊपर आप इसको लोड नहीं दे सकते, ना ही चला सकते हैं कोई और चीज़। मार्केट के अंदर अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो मुख्तलिफ प्राइसेस में 65,000 से लेकर 70,000 तक आपको ये आसानी से मिल जाता है। मार्केट के अंदर काफ़ी इन्वर्टर मौजूद हैं जो बैटरी के साथ चलते हैं, लेकिन इन्वर्क्स ने बहुत बेहतरीन काम किया है, जो बगैर बैटरी के इस इन्वर्टर को बनाया है। आप इसके साथ बगैर बैटरी के भी इस इन्वर्टर को चला सकते हैं, लेकिन आपने 2000 वाट के सोलर पैनल के साथ लगाने लाजमी। उसके अलावा अगर इन्वर्स की बाकी प्रोडक्ट्स बात किया तो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि सोलर और बाकी जो चीज़ें इन्वर्स बना रहा है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आपने इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं और किसी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।